तो ये रहा मेरा मजा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ताला करम फजल हिम्मत और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज मैं काइट फ्लाई करने वाला हूँ। ये देखिए पटा हुआ है, तो इसको अभी चट्टी मिटाएंगे, तो अभी इसके ये है ना कन्ने लगाएंगे, बांधेंगे। चलो जी पहले इसको करते हैं जी चट्टी लगाएंगे, इसको चट्टी लगाएंगे क्योंकि ये फटा हुआ है। तो ये ले, तो भी लगा दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सीधा करके इसको ये लग गई, और यहाँ से भी लगानी है। काफी बहुत हो चुकी है यार। अभी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। चलो जी ये भी हो गया। तो ये रहा मेरा मजा, ये देखें कैसा है। कमेंट में बताएं ये अच्छे वाला है या बेकार है। तो अभी उड़ाएंगे तो हमारा पतंग भी वहाँ पर होगा। तो पतंग जो फटा हुआ था तो मैंने उसको सही कर दिया है। तो अभी टाइम हो चुका है इनके क्या करने का, कन्ने बांधने का। तो अभी कन्ने बांधेंगे। चलो जी कन्ने बांधते हैं जी। One hour later. तो ये पतंग उड़ा नहीं लेकिन फट गया। ये देखें पतंग फट गया, उड़ा नहीं। तो इंशाल्लाह दूसरी बार चढ़ा उड़ाएंगे कभी। इतनी मेहनत लगी इसको कन्ने बांधने में और ये फट गया, उड़ा भी नहीं। ये देखें तो यार क्या करें यार, मैं मुझे रोना आ रहा है ऐसे, रोना आ रहा है ऐसे, क्या करूं यार। अबे यार लग पतंग ही तो है, दूसरा कर दे लेंगे, दूसरी बार उड़ाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी चाय अम्मी जान गई है नीचे, तो वो चाय लेकर आएगी, तो चाय पीऊँगा। चलो जी चाय पीते हैं। तो फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, तो चाय पियेंगे। बड़ा भाई पिएगा, मैं भी पीऊंगा, अम्मी जान भी पिएगी। तो अभी चलो चाय पीने के आपके पास मिलता हूँ। तो ये देखिए कबूतर आया हुआ है, ओए होए होए, इसके पर कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकता। चल 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 इसको छोड़ो। तो अभी भाई और मैं जा रहे हैं खेत में, अपनी खेत में। तो अभी चलते हैं खेत देखने के लिए, अभी उनका टाइम आ चुका है। चलो जी चलो, टाइम नहीं खबर को नहीं। तो अभी मैं आया हूँ चाबी लेने के लिए, तो चाबी मुझे यहाँ पर ही पड़ी थी। तो अभी चलते हैं जी। चलो अभी दरवाज़ा खोलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, अभी बाइक निकाल रहे हैं। चलो
तो फाइनली हमारा सफ़र हो चुका है अब कंप्लीट। अभी हमारी खेत आने वाली है थोड़ी देर में, तो अभी जाऊंगा वहां पर। तो वहां पर क्यों ही नहीं, वहां पर थ्रेशर लगा होगा तो वहां पर वॉइस बहुत होगी, तो वहां पर इतना वीडियो शूट नहीं करूंगा। तो ये देखें धान की फसल, और ये और यहाँ पर थ्रेशर लगा हुआ है। A few moments later. तो अभी हम जा रहे हैं वापस, तो वहाँ पर बहुत शोर था, तो हम जा रहे हैं वापस घर, तो अभी चलते हैं। Moments later. तो अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और हम हैं छत पर। ओए ओए, अभी पेट पूजा चल रही है इन कबूतरों की। ये है इनकी अम्मी जी, अबू जी, जी नहीं बाबा जी, ओ बाबा जी ये इनका बाबा जी है। सबसे पुराने वाला कबूतर है डोन डोन डोन। और ये देखो हमारे दादे भी चले गए, अभी तक ये नहीं जा रहा है। ओ इनमें बीच वाला है ना, ये तो इनमें से एक पारेल भी थे, किधर गया पता नहीं कहाँ गया। ओ वो रहा अंदर केज में इनका मेहमान। ओ ये वाला ये जा रहा है, क्योंकि ये ना न्यू न्यू आया ना, अभी अभी आया है। मक्खन वाली रोटी, मक्खन वाली रोटी क्यों खिलाते हो? ये इनके हम पर काटते हैं ना, फिर उनमें ताकत नहीं होती, इसलिए हम मक्खन वाली मानी इनको खिलाते हैं, फिर वो उनके पर है जो हल्दी निकल आते हैं। तो ये होई होई। और ये क्या है? ये मक्खन खाते हैं। इंसान मक्खन नहीं खाता, लेकिन ये तो खाते हैं कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं। तो अभी इन कबूतर को खाना खिलाया जा रहा है मक्खन वाली रोटी। मक्खन खाओ, ताकतवर बन जाओ। ये देखे कैसे खा रहे हैं। ओए होए, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रात हो गई है भाई साहब, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी मुजम्मिल भाई के आईडी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस भाई की तो माने ये देखें कैसे लड़ रहे हैं। हम आगे आगे जाके अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, ये हम जब बाजियों में उड़ाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। इनके बारे में हम आपको बताएंगे, वो दूसरी वीडियो में हम इनके बारे में आपको बताएंगे, ये कितने अंडे देते हैं और बच्चे कैसे कैसे निकलते हैं, कौन कौन से नस्ल है इसमें। और ये देखें अंदर भी बैठे हुए हैं, वो उसकी लाइट बारह में उसकी लाइट चलो बंद करेंगे और नीचे चले जाएंगे। नहीं बोल,
ओ ये देखें लाइट ओपन। नहीं हो रही ऑन, नहीं हो रही, हो गई। ये देखें सही से नहीं लग रहा यार, लग गया। तो अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें अभी लाइट भी ऑन हो रही है। ये सबसे छोटा वाला बच्चा ये इन जोड़ों ने दिया था, छोटा सा बच्चा, ये 5 दिनों का है ये बच्चा है। अभी अभी इसने आंखें खोली है। तो दूसरे भी बच्चे में आप दूसरे बच्चे देखते हैं यार, ये इस कबूतर के बच्चे हैं। ये हमारा जो काला मद्रासी है उसके बच्चे हैं। ये भी 5-6 दिन के हैं। ये भी 5 दिन के हैं, 5-6 दिन के। और ये रहा, ये कितने दिनों में, 5-6 दिन के ही हैं। हाँ ये साथ में है। और ये 10-11 दिन का, ये 10-11 दिन का नहीं नहीं ये 20 दिन का होगा। 20 दिन का पर निकल आए, पर निकल आए रंगीन। ये देखें और अंडों पे एक कबूतरी हमारी बैठी हुई है, ये भी अब बच्चे देने वाली है। तो ये देखें इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। कितने दिनों में आ जाएंगे? 2-3 दिनों में इनके भी बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह। फिर बाकी 2 दिन हैं हमें। और ये खाली है, ये भी खाली है। और ये देखिए ऐसे ये हमारी सिरप है जो हम इनको अंडों के लिए देते हैं। सर्दियों में इनसे हम अंडे लेते हैं, फिर बच्चे लेते हैं। ये सिरप हम देते हैं इनकी कैल्शियम की। सर्दियों की खुराक कौन सी होती है? सर्दियों में इनको बादाम खिलाए जाते हैं, जो आप पार्दी में उड़ाते हैं उनको बादाम खिलाए जाते हैं। और दूसरा देसी घी खिलाया जाता है, और सरसों है, सरसों खिलाया जाता है इनको। गरम गरम जो वो खाने वो इनको खिलाए जाते हैं। और अच्छे नमूने से, अच्छे तरीके से हम इनको पैक करते हैं। और भी कुछ है बताएंगे आपको टिप्स, तो वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब तक अल्लाह हाफिज़। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुज़म्मिल भाई को दीजिए इजाज़त, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।